अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद का दिन है। आप सबको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा ईद का दिन कैसे गुजरता है, हम सुबह नींद से उठे हैं 6 बजे रेडी होकर, अभी 6:40 हो चुके हैं। हम जा रहे थे ईद की नमाज़ अदा करने, हमारे जो गेरा के उनको पैकेज किसी को करवाना था, किसी को इजी लोड करवाना था, तो उन्होंने बोला भाई हमें पैकेज कराना है, इजी लोड कराना है। तो हमने सोचा 30 मिनट है नमाज में तो पहले इनका काम करते हैं। ये भी ईद मुबारक अपने प्यारों को फ़ोन पर ही देंगे, तो हमने सोचा है इनका भी काम कर लिया जाए। और ईद की नमाज ईदगाह पर पढ़ते हैं, लेकिन बारिश की वजह से गलियों में पानी और चीकड़ है, तो 8 बजे का टाइम रखा गया है मस्जिद पर अदा करेंगे, और अभी हम शो बंद करके जाएंगे मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ गए हैं ईद की नमाज अदा करने मस्जिद, वज़ू करने की जगह है। अभी टाइम जो है 7:40 हो चुका है, 20 मिनट बाकी हैं। आस्ता आस्ता लोग जमा हो रहे हैं और मिलके साथ में नमाज अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज हमने अदा कर ली है और आपस में ईद मुबारक मिल रहे हैं। आप सबको ईद मुबारक हो। ईद का बहुत बड़ा दिन होता है, ईद के दिन सब लोग अच्छे कपड़े पहनकर खुशबू लगाकर आते हैं, नमाज अदा करते हैं। इस ईद वाले दिन पर जो मजदूर लोग हैं वो भी अपने घरों में आते हैं, अपनों के साथ ईद मनाते हैं। ईद का बहुत बड़ा दिन होता है, ईद पर दूर दूर से रिश्तेदार दोस्त लोग सब आपस में मिलकर ईद मनाते हैं। बड़े छोटे ये सारे मिलकर खुशी का दिन, बड़ा दिन होता है। तो अभी ईद नमाज हमने अदा कर ली है, कोई अपने जाएगा घर अपनों के साथ ईद मनाएगा, और उसके बाद कोई घूमने जाएगा। बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत होती है, लेकिन रोड इधर थोड़ा सा नीचे है, तो इस वजह से पानी खड़ा हो जाता है, काफ़ी सारी दिक्कत होती है, लोग आने जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। अभी आते हैं शॉप पर, इन भाइयों से ईद मुबारक मिलते हैं। अल्लाह ताला का करम है और हमें कोई काम नहीं, हम सिर्फ शॉप पर ही बैठते हैं, शॉप चलाते हैं, और जो कुर्बानी का सिस्टम होता है, खेती बाड़ी का सिस्टम होता है विलेज में, जो भी काम होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े संभालते हैं, और हमें कोई काम का टेंशन ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं। शॉप के सामने ये रेड़ा लगा हुआ है, ये चेना के खिलौने सेल कर रहे हैं। छोटे जो बच्चे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ार होता है ईद का दिन का इनको, ये अच्छे कपड़े पहनकर और इंतज़ार करते हैं ईद का। ये अभी खिलौने इधर से ले रहे हैं, चेना वालों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने अच्छे से खिलौने ईजाद किए हैं और बच्चों की खुशी को डबल कर दिया। ईद का दिन बहुत बड़ा खुशी का दिन है, बच्चों के साथ तो डबल खुशी का दिन होता है। अभी ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं और सजाद अकेला शॉप पर पैकेज करा रहे हैं लोग, ये भी अपनों से बातचीत करते हैं। अभी जाता हूँ शॉप के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ग्राहक थे, उनको पैकेज कर दिया है उनकी मोबाइल का, और अभी जो ईद की सौगात होती है मीठी सवैयाँ। खाना पीना हमारा चलता रहता है शॉप पर, और साथ में ग्राहक भी हैं, हेड फ्री सजाद इनको सेल कर रहा है। चुके हैं अभी शो पर बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे कस्टमर आए हैं, जैसे ईद मुबारक मिल रहे हैं और दोस्त भी आ रहे हैं। और ये हमारे विलेज से आया है मिर्चू, और ये हमारा दोस्त दीदार, और ये सजाद, और ये मैं हूँ। दोपहर का टाइम है और अभी मैं आ गया हूँ घर, भूख भी ज़्यादा लग गई थी, और अभी गोश्त जो है कुर्बानी का मामू के बेटे ने कुर्बानी की थी वो विलेज से लेकर आया है इधर, और अभी देखते हैं क्या क्या तैयार हुआ है। सवैयाँ हमने खा ली थी और ये खा ली।
कुर्बानी वाला गोश्त भी विलेज से लेकर आया है। मामू का बेटा, इसने कुर्बानी की थी, और जो हमारे रिश्तेदार हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं की तो उनके लिए इस शापर में गोश्त भेजेंगे। ये अभी निकाल रहा है गोश्त तो उनके लिए शापर में डाल रहा है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला उनको भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें देने की कोई औकात नहीं, ये अल्लाह ताला का बहुत करम है, जो अल्लाह ताला का फजल है। शॉपर बैठा हुआ एक दोस्त मेरा, मैं उसके लिए शापर में गोश्त निकाल रहा हूँ। और जो रिश्तेदार हैं जिसने कुर्बानी नहीं की तो उनको मैं बांटेंगे। और इनकी सेटिंग नहीं है, हड्डी है और गोश्त इनको मिक्स कर रहा है, साथ में भूख भी ज़्यादा लगी है। और बेड पर मैं लेट गया हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ सालन तैयार हो जाए। गंदम की रोटी पहले से तैयार है और अभी ये सेटिंग कर रहे हैं गोश्त की, आपस में जो हड्डी है और गोश्त मिक्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी तैयार होकर आ गया है और भूख भी ज़्यादा लगी थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाते हैं। सेटिंग भी इनकी हो गई है और अभी ठंडा हमने मंगवाया है। ठंड शाम 6 बज चुके हैं और अभी तक लाइट नहीं आई है और बर्फ भी नहीं मिल रही, गर्म पानी पी रहे हैं। सिस्टम हमारा बंद है, छोटा चाय लेकर आए हो? नहीं, चाय भी नहीं मिल रही, बर्फ तो नहीं मिल रही, लाइट भी नहीं है, गर्मी है बहुत। हाँ एक लेकर आओ बस। मैं अभी शॉप के बाहर जा रहा हूँ, बाहर का देखते हैं। ईद का बहुत बड़ा दिन होता है तो चाय बहुत इधर स्पेशल बनाते हैं, पानी एक कतरा भी नहीं होता, तो चाय छोटा भी लेकर आया है और साथ में पैकेज भी करा रहे हैं लोग बड़े बड़े। और ईद के दिन बहुत पैसा भी होता है लोगों के पास, चाय आप चेक कर सकते हैं, बहुत VIP है और साथ में बड़े पैकेज भी लग रहे हैं। उसके साथ बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और ये दो मोबाइल इधर पड़ी हैं, मैं इन पर ग्लास लगा रहा हूँ। काफ़ी सारा रश भी है शॉप पर और साथ में रिपेयर भी कर रहा हूँ ये मोबाइल है। इसका मैंने माइक न्यू लगा दिया है और मेमोरी कार्ड का जो जैक है वो ख़राब है, टूटा हुआ है, तो वो भी मैं न्यू लगाऊंगा। और साथ में रिपेयर भी चल रही है और सजाद भी बीसी है, बटन साफ़ कर रहा है मोबाइल का, मैं साथ में रिपेयर कर रहा हूँ। सजाद भी लगा हुआ है अपने काम में और मैं भी रिपेयर में चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश है शॉप पर और काफ़ी सारे ग्राहक आप देख सकते हो। ये सजाद बटन साफ कर रहा है इस मोबाइल का। अल्हम्दुलिल्लाह इसका खाना भी लग गया है और अब इसको चेक करेंगे, मेमोरी इसने उठा लिया, ये ओके हो गई है। हाथ में नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर मैं वापसी आ गया हूँ। रात हो गई है और अभी साथ में चाय मिठाई और खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह शॉप पर चलता है। और छोटा खाना लेकर आया, बर्फ़ भी शॉर्ट थी नहीं मिल रही थी और लाइट अभी आई है तो सामने एयर कूलर से ठंडी हवाएं आ रही है और गर्मी भी बहुत है। तो वीडियो हमारी ईद पर ऐसे ही बनी, पूरा दिन शॉप पर गुजर गया और अभी खाना खाएँगे। आज का व्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।